भारतीय शेयर बाजार में जोमैटो का शेयर आजकल फोकस में है। मात्र 6 महीने में इस शेयर ने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। लेकिन आज जोमैटो एक लड़की की वजह से खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जो जोमैटो की टी शर्ट पहनकर बाइक चलाते हुई नजर आ रही है। लड़की को जोमैटो की डिलीवरी गर्ल कहा जा रहा है क्योंकि वह अपने साथ जोमैटो का बैग भी लेकर बैठी हुई है जिसमें लोगों के फूड ऑर्डर्स को रखकर उनके घर तक सेफली पहुंचा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। कई लोगों ने कहा कि लड़की ने अपने बोल्ड लुक से सड़क पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। अब क्या है पूरी खबर, कहां की है ये वायरल वीडियो, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने जोमैटो की टी शर्ट और शॉर्ट डेनिम बॉटम पहना हुआ है। उसके बाल खुले हुए हैं और सिर पर चश्मा लगा हुआ है। लड़की बिना हेलमेट के बिंदास और बोल्ड अंदाज में बाइक चला रही है। उसने अपनी पीठ पर जोमैटो का बैग भी टांगा हुआ है। आसपास गाड़ियों से गुजर रहे कई लोगों की नजर उस पर पड़ रही है। कई लोग उसे पलट पलट कर भी देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इंदौर पुलिस को टैग करके लड़की पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। इस वीडियो को प्लेटफॉर्म एक्स पर राजीव मेहता नाम के यूजर ने शेयर किया था। इसके कैप्शन में दावा किया गया कि जोमैटो के इंदौर मार्केटिंग हेड के पास खाली जोमैटो बैग के साथ शहर में घूमने के लिए एक मॉडल को हायर करने का विचार आया था। इस वीडियो पर जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अब क्या कहा गोयल ने, ये भी आपको बताते हैं। दीपेंद्र गोयल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कंपनी का मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास इंदौर में कोई मार्केटिंग हेड भी नहीं है। दीपेंद्र गोयल ने यह भी कहा कि जोमैटो बिना हेलमेट बाइक राइड को सपोर्ट नहीं करता। गोयल ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई हमारे ब्रांड पर फ्री राइडिंग कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के फूड डिलीवरी करने में कुछ भी गलत नहीं है। हमारे पास सैकड़ों महिलाएं हैं जो अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए प्रतिदिन फूड डिलीवरी करती हैं। बता दें, इससे पहले भी दीपेंद्र गोयल की फोटोज वायरल हुई थी जिसमें वो डिलीवरी करते हुए नजर आ रहे थे। 6 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के मौके पर उन्होंने जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट पार्टनर्स और कस्टमर्स को खुद बाइक से फूड डिलीवर किया था। और तो और फ्रेंडशिप बैंड्स भी बांटे थे। यानी कुल मिलाकर जोमैटो का शेयर और कंपनी दोनों खूब फोकस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।